चेहरा कमल है, बातें गजल है, खुशबू जैसी तू चंचल है, तेरा बदन है संगे मरे मरे, तू एक जिंदा ताज महल है, उतरी है तू आसमां से, तुझी सा जमीन पे कहाँ। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजधानी फैमिली में। मैं बिहारी सर लेकर आया हूँ फिर से संस्कृत का एक ज़बरदस्त टॉपिक, जिसको आप अगर देखेंगे तो 7 नंबर चुटकी बजाकर हासिल कर सकते हैं। तो आइए बिना समय को गवाए हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो विद्यार्थी, आज का जो टॉपिक आपका है, आज का आपका टॉपिक है अनुच्छेद, अनुच्छेद लेखनम। अनुच्छेद लेखनम का अर्थ होता है, आप जिस प्रकार निबंध बच्चे में पढ़े होंगे गाय पर किसी चीज़ पर, तो उसी प्रकार अनुच्छेद यानी उसके बारे में आपको 6 लाइन लिखना पड़ता है, 6 लाइन 7 लाइन लिखना पड़ता है। तो आइए हम लोग शुरू करते अनुच्छेद। यह अनुच्छेद आज हम एक अनुच्छेद आपको बताएंगे, समझाएंगे, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनुच्छेद में अस्माकं बिहार राज्य। अस्माकं बिहार राज यानी हमारा बिहार राज। तो आइए अपने बिहार के बारे में जानते हैं। तो देखिएगा, हमारा बिहार राज में हम लोग देखते हैं, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, कह रहा क्या, अस्माकं बिहार राज कृषि प्रधान राज्य वर्तते। अस्माकं बिहार राज कृषि प्रधान राज्य वर्तते यानी हमारा जो बिहार राज है कृषि प्रधान राज्य है। कैसा राज्य है? कृषि प्रधान राज्य है, ठीक है। अगला कह रहा है अस्य राजधानी पटना इति अस्ति। इसकी, अस्य का मतलब इसका या इसके, ठीक है। कह रहा अस्य राजधानी पटना इति अस्ति यानी इसकी जो राजधानी है पटना है। क्या है? इसकी राजधानी पटना है, ठीक है। अगला कह रहा है, अगला पॉइंट, पटना गंगाए दक्षिण तटे अवस्थित अस्ति। पटना गंगाया दक्षिण तटे अवस्थित अस्ति यानी यह पटना, पटना जो है गंगा के दक्षिण तट पर अवस्थित है। पटना जो है गंगा किस तट पर अवस्थित है? तो दक्षिण तट पर अवस्थित है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा पाटलिपुत्रम अस्य पूर्व नामा। पाटलिपुत्र, देखिए पटना का पुराना नाम क्या था? तो पाटलिपुत्रम था। क्या था? पाटलिपुत्रम। उससे भी पहले पुष्पुर, उसके बाद कुसुमपुर, पाटलीगाम, उसके बाद पाटलिपुत्रम, अब जाके पटना। तो कह रहा पाटलिपुत्रम अस्य पूर्व नामा, इसका जो पाटलिपुत्र पुराना नाम है। कह रहा अयम ही यद्धि प्राचीन मगध राजस्य राजधानी अस्तिति। जिसकी यानी इसकी जो राजधानी थी पाटलिपुत्रम की, प्राचीन राजधानी क्या थी? मगध राजस्य यानी मगध राज था। क्या था? मगध राज था। आगे देखते हैं, कर आगे बिहार राजस्य दक्षिण भागे अनेकानि औद्योगिकी नगरानी सन्ति। करा बिहार राज्य के दक्षिण भाग में अनेकानी माने अनेक प्रकार के औद्योगिक, औद्योगिक का मतलब होता है विद्यार्थी कल कारखाना। क्या होता है? कल कारखाना, ठीक है। औद्योगिक नगरानी सन्ति यानी औद्योगिक नगर यानी बिहार के दक्षिण भाग में, किस भाग में? दक्षिण भाग में। करा बिहार के दक्षिण भाग में अनेक प्रकार के औद्योगिक नगर बसे हुए थे यानी हैं, ठीक है। आगे देखते, कह रहा बिहार राज्य राजगृह, बिहार राज्य राजगृह पावापुरी वैशाली बोधगया हरिहर क्षेत्रम चेति। कह रहा बिहार राज्य में, देखिएगा बिहार राज्य में राजगीर है, पाटलिपुत्रम है यानी सॉरी राजगीर है, पावापुरी है, वैशाली है, बोधगया है, हरिहर क्षेत्र यानी कि यहाँ पर बहुत सारे इस प्रकार के क्षेत्र उपस्थित है। आगे कह रहा है प्रसिद्ध्यानी भव्यानी तीर्थ स्थानानि सन्ति। और यह सब जो राज्य है, यह सब जो जगह है, यह सब प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है, भव्यानि है, तीर्थ स्थानीय यानी यहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं, तीर्थ के लिए आते हैं। कहाँ? राजगीर, पावापुरी, वैशाली, बोधगया, हरिहर क्षेत्रम, ये सब जो क्षेत्र है विद्यार्थीगण, यह सब घूमने यानी कि तीर्थ स्थानीय योग है। तो विद्यार्थी, यह था आपका अस्माकं बिहार राज्य, जो हमने बहुत ही छोटे क्लिप वीडियो में आपको अस्माकं बिहार राज्य के बारे में एक अनुच्छेद बताया है। अनुच्छेद आप 7 लाइन का लिख सकते हैं, आपका यह 7 नंबर का रहता है। आपको 6 वाक्यों में या 7 वाक्यों में इस प्रश्न को दिया जाता है कि इतने वाक्यों में आप लिखे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 7 नंबर आसानी से उठा सकते हैं। वीडियो को अगर आप समझ चुके हैं, फिर से एक बार रिवीजन के तौर पे यह वीडियो आप लोग जरूर रिवीजन करते रहें बार बार। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, अगला कोई
अनुच्छेद का टॉपिक लेकर, ठीक है। वीडियो को अपने दोस्तों के पास, खास करके उस दोस्तों के पास शेयर करें जो इस बार 10th की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इस बार एग्ज़ाम देंगे 2022 में। हमारा एक ही लक्ष्य विद्यार्थी, अब की बार 400 पार। तो अपने मित्रों को भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।